पास इतनी फुर्सत ही नहीं है तो किसी से मिले। यही की है मैंने, टीवी की है, टीवी किया है, प्राइवेट टीवी की है। हालात साथ नहीं दे रहे थे तो मेरे जेब में आया कि ये काम कर लो, खाने पीने वाला काम। मेरे ही मेरे अल्लाह सपोर्ट कर रहे। वालद साहब मेरे 94 में बहुत हुए थे, वालदा मेरी तो 14 साल हो गए। माजी में बचे किया जो याद कर रहे, मेरे ही मेरे अल्लाह सपोर्ट कर रहे। मेरा नाम रियल नाम तो जो जनरल में आईडी कार्ड का नाम दिया वो तो सुमेरा शफीक है, और थिएटर में सादिया शेख। आपके जो स्टेज के कोलीग्स हैं, जो पुराने दोस्त हैं, वो मिलने आते हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं आया, कोई मिलने नहीं आया। अभी किसी के पास इतनी फुर्सत ही नहीं है तो किसी से मिले। हर बंदा मसरूफ है, हालात ऐसे ख़राब हो गए हुए कि आपको बताइए जो हालात है। कब सिलसिला शुरू किया आपने? 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने? उससे पहले क्या करते थे आप? शोबिज़ में थे। शोबिज़ में थे? शोबिज़ में कितना अर्सा गुजारा आपने? 25 ईयर। तो स्टेज पर थी आप या साइड पे? नहीं, स्टेज की है मैंने, टीवी की है, टीवी की है, प्राइवेट टीवी की है। ये आइडिया कहाँ से कब आया आपके पास कि मैंने ये चलाना है? साथ नहीं दे रहे थे तो मेरे जेब में आया कि ये काम कर लो, खाने पीने वाला काम। तो कोई सपोर्ट कर रहा है? कोई आपका दोस्त, कोई आपके घर वाले? मेरे ही मेरे अल्लाह सपोर्ट कर रहे। घर पर बच्चे वगैरह हैं आपके? नहीं। वालद साहब मेरे 94 में बहुत हुए थे, वालदा मेरी तो 14 साल हो गए। माजी के कुछ याद आती है कि नहीं आती? माजी में बचे की आज याद करते। मर्दों को डील करना अच्छा लगता है क्योंकि मर्द जो मेरे पास आ रहे हैं ना वो बहन भाजी ही कहते हैं मुझे, और मैंने इंडस्ट्री में भी काम किया ना, शोबिज में भी। तो अगर 100% लोग काम करे तो 99% लोगों ने मुझे बहन भाजी बेटा ही कहा। बोला तो मुझे सभी के साथ आया काम करने का, सभी अच्छे हैं अपनी जगह पे। मैं किसी को एक को तो नहीं अच्छा कह सकती, मेरे लिए सब अच्छे हैं। बहुत सख्त इंसान है कि काम मांगते हैं, तो मुझे उनके साथ काम करने का मज़ा भी आया है। ये मैंने शेख साहब के साथ किया है, मस्ताना साहब के साथ किया है, बब्बू बराल साहब के साथ किए हैं, बस जितने भी बेस्ट बड़े एक्टर हैं उनके साथ मैंने, लेटेड एक्टर उनके साथ, मोइन अख्तर साहब के साथ, काफ़ी लोगों के साथ, उमर शरीफ साहब के साथ भी किए हैं मैंने। लेकिन मेरे बुरे वक्त में मेरी जब वालदा हॉस्पिटल में दाखिल थी तब मेरे साथ कुछ ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने मेरा पूरा मेरे साथ तामिल किया, मेरा साथ दिया। आर्टिस्टों की मजबूरी है, बंदे ये जो आर्टिस्ट ना एक दूसरे के लिए ना बहुत एहसास है करते हैं, एहसासमंद है एक दूसरे के। लेकिन और अगर आप किसी और से उम्मीदें लगा लें तो वो मुश्किल है। शेजाब है, मानूर अपना, नासिर चिनोदी का, मैडम लड़का साहबा, मतलब काफ़ी आर्टिस्ट, अम्बेका जी, इन्होंने मेरी वालदा के दौरान बड़ी हेल्प की। आवाम के लिए तो मैं क्या कह सकती हूँ, आवाम बेचारी खुद परेशान है। मैं हुकूमत से अपील करती हूँ कि खुदा का खौफ करे, छोड़ दे ये महंगाई, कोई नहीं सोचता, सब अपनी जगह पर थे। अब ये बात देखें, हाँ साहब अभी कुछ ही दिनों में उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि जी मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा, ठीक है ना। वो लाखों करोड़ों पति हो के आदमी और वो पति आदमी है, उनका गुजारा नहीं हो रहा तो हमारा 5-6-7 हज़ार वाले कमाने का कैसे गुजारा हो रहा है। सब मीडिया वालों की जितने भी है मैं उनकी सबकी शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और अगर हुकूमत को ले लें सपोर्ट तो वो मुश्किल है, मीडिया ने मुझे सपोर्ट किया उसकी मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ।